Welcome back to my YF channel. I hope you all are doing very well. So guys, I hope कि आप लोगों को मेरी गुलाब जामुन वाली वीडियो अच्छी लगी होगी. तो मैंने सोचा कि क्यों ना और भी रेसिपीज आप लोगों से शेयर करूँ. सो आज मैं बनाने जा रही हूँ कस्टर्ड, वनीला कस्टर्ड. I hope कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी. So let's start it. So guys, सबसे पहले ये हमें लेना है कस्टर्ड पाउडर और इसमें हमने थोड़ा सा मिल्क लिया है, उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे. ये वनीला कस्टर्ड पाउडर है. ओके तो गाइस, ये कस्टर्ड पाउडर में मैंने मिल्क ऐड कर लिया है. इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे. सो गाइस, अचानक से लाइट चली गई है, बट आई थिंक क्योंकि अभी हमें कहीं जाना भी है तो वीडियो तभी बनानी पड़ेगी. सो मैंने सोचा कि क्यों ना घर के सारे दरवाजे खोल के मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ. तो चले चलते हैं अंदर और देखते हैं कि वीडियो बन सकेगी या नहीं. मैं दिख तो रही हूँ बट आई डोंट थिंक सही है. जैसा कि आप सबको मैंने बोला था कि लाइट चली गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ चुकी है. सो जैसा कि मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर में मिल्क ऐड किया था, सो नाउ इट्स रेडी. सो अपने मिल्क की तरफ चलते हैं. सो हमारी बॉइल हो चुका है. अब मिल्क में हमें ऐड करना है थोड़ा सा कर्डमम पाउडर, पिंच या हाफ टेबल स्पून एज यू लाइक. सो गाइस, अब हम इसे मिक्स करेंगे. ओह माय गॉड, अकेले शूट करना बहुत मुश्किल होता है, अब पता चल रहा है. ओके, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. सो अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर. सो अब हम इसमें 5 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे. आई थिंक इट्स ओके. पहले मैं मिक्स करूंगी और उसके बाद चेक करते हैं कि कितना मीठा हुआ है और उसके बाद फिर इसमें डालेंगे और अगर ज़रूरत हुई तो. सो उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और ये सब कुछ आपने करना है स्लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम नहीं करना, स्लो फ्लेम पे करना है. ओके, अच्छी तरह से अपने मिल्क को मिक्स कर लेना है. ओके, सो मैं इसको टेस्ट करती हूँ फिर देखते हैं कि इसमें शुगर ऐड करनी है नहीं. आई थिंक कर लेते हैं. सो आई थिंक 6 टेबल स्पून शुगर इनफ होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है तो अपनी टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें. ओके ओके, मिक्स मिक्स मिक्स. सो अब जो हमारा हमने कस्टर्ड पाउडर का टेक्सचर बनाया था उसके आई थिंक 5 टेबल स्पून इनफ होंगे, फिर भी हम डाल के देखेंगे और अगर वो ज़्यादा थिक हो गया तो फिर नहीं डालेंगे वरना डाल देंगे. ओके, 1, 2, 3, 4. इसमें तो अभी तक कोई चेंज भी नहीं आया ना कलर हुआ है. सो आई थिंक पूरा थोड़ा सा एक और स्पून डाल देते हैं. सो 1 टेबल स्पून और डाल देते हैं. नाउ मिक्स मिक्स मिक्स.
सो गाइस अब हमारा कस्टर्ड आई थिंक कि थोड़ा सा थिक हो गया और इतना ही थिक होना चाहिए और थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे 2 मिनट्स तक और फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है ओके फ्लेम हाई नहीं करनी थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद उसको उतार लेंगे आज मामा घर पर ही है लेकिन उनका कोई काम है इसलिए वो नहीं बना पा रही वीडियो इसलिए मैंने कहा खुद ही बना और अच्छा लगता है ऐसे खुद ही वीडियो बनाना लेकिन चीज़ें पूरी नहीं दिखती है ओके आई थिंक अब इसको उतार लेना चाहिए सो मैं इसको उतार रही हूँ और एक और बात कि इसको इस पर आपने ये जो स्पैचुला स्पून व्हाटएवर इस चीज़ को आपको इस पर मतलब मिक्स करते रहना है अगर आप नहीं करेंगे ना तो वो नीचे चिपक जाएगा और उससे फिर उसकी चलने की स्मेल आती है वो बहुत गंदी लगती है यू नो व्हाट सो या इसको उतार लेंगे यम्मी नाउ इट्स टाइम टू मेक जेली ओह माय गॉड ज़रा ही सो अब हमने जेली बनाने के लिए वाटर को रख दिया है हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम काफ़ी होगी मैंने मीडियम ही की है इस पर रखना है और इस पानी को जब अच्छी तरह बॉयल आ जाएंगे तो इसको आप अपने मोल बाउल जिसमें भी आपको कन्वर्ट करना है जिसमें जेली बनानी है जैसी शेप देनी है उसमें पानी को डालेंगे और उसमें हमारा जेली का जो पाउडर होता है उसको मिक्स करेंगे तो फिर जेली हमारी रेडी हो जाएगी सो मैं ले रही हूँ स्ट्रॉबेरी जेली पाउडर आपको जो लेना है लेना या सो जल्दी जल्दी वेट करते हैं पानी को बॉयल आने का उसके बाद आप इसे बनती हूँ सो मैं जल्दी इन बॉल्स में बनाऊंगी एक इसमें डालूंगी और मैं ये छोटे छोटे हैं तो इसमें से मोल अभी क्योंकि मेरे पास नहीं है तो मैंने सोचा कि इसमें बना लूँ क्योंकि छोटे छोटे से सर्कल शेप में है तो जो कस्टर्ड होगा उसके बीच में रखूंगी तो बहुत अच्छा लगेगा या तो ये दो मैंने बाल ऐसे रखे हैं एंड एक मैंने बना रखा है जिसमें जेली को कन्वर्ट करेंगे ओके और उसके बाद हम अपने केक सो मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं जिससे अपने कस्टर्ड को डेकोरेट करना है बिस्किट्स ओके बिस्किट्स एंड केक सो जैसे कि पहले बिस्किट्स की लेयर लगाएंगे फिर कस्टर्ड फिर केक फिर बिस्किट्स फिर कस्टर्ड फिर जेली फिर केक व्हाटएवर सो अभी हमारे पानी का बॉयल आने वाला है पानी की तरफ चलते हैं गाइस हमने जो हमारा पानी बॉयल हुआ था उसको हमने बाउल्स में कन्वर्ट कर दिया अब हम जेली को खोलेंगे और डालेंगे तो ये जो बड़ा वाला बाउल है इसमें हम थोड़ी ज़्यादा डालेंगे इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे सो गाइस अब ये सब मिक्स हो गए अच्छी तरह तो हम इसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे क्योंकि आफ्टर बाद में तो ठंड होती है तो ये रूम टेम्परेचर भी फ्रीज हो जाएगी कस्टर्ड भी हमारा अच्छी तरह से बन गया है सो जब तक ये होती है फ्रीज हम केक काट लेते हैं साइड पे रख देती हूँ अब केक इतना है ना तो उसके आधे पीस कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से लेयर लग जाए जल्दी जल्दी केक काटते हैं उसके बाद जब जल्दी फ्रीज हो जाएगी आप लोगों से तब मिलती हूँ
सो गाइस जल्दी तो फ्रीज होती रहेगी, तो मैंने सोचा तब तक हमारा कस्टर्ड मैं थोड़ा सेट कर लेती हूँ बाउल में। सो सबसे पहले हमें बिस्किट लेना है, क्योंकि जाली तो वैसे भी डेकोरेशन में यूज होती है फर्स्ट सेट। तो नीचे से जो सारी लेयर्स और केक का मामला है वो मैं कर लूँ, उसके बाद जाली को देखते हैं। बिस्किट्स को हम ऐसे रखेंगे, मैं ऐसे करके इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि राउंड शेप में वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो फिर वो क्योंकि बाउल छोटे हैं ना, इसमें पूरे आ जाएंगे। सो अब हमारे कस्टर्ड लेते हैं। सो हमारे कस्टर्ड की तरफ आते हैं। तो अगर आप चाहें तो बिस्किट्स को पहले मिल्क में किसी चीज़ में सोक करके भी डाल सकते हैं, पर ये क्रंची क्रंची मज़े के लगेंगे, और वैसे भी कस्टर्ड गर्म है तो ये सॉफ्ट खुद ही हो जाएंगे, इसलिए मैंने इनको किसी चीज़ में सोक नहीं किया। या सो इसमें हम केक रखेंगे। अगेन कस्टर्ड, सो अब बिस्किट और केक दोनों एक साथ डाल देंगे। आलसी का बिस्किट आलसी का केक, क्योंकि ये बाउल छोटे हैं ना तो उसमें पूरा नहीं आ सकता, तीन लेयर ही आएंगी, तो फिर इसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। ओके हियर वी गो, ये ऐसे काफी कस्टर्ड। सो अभी हम इसको ऐसे ही रख देंगे, और फिर जब चैलेंज होती है तो आप लोगों से मिलते हैं। सो अब एक और बाउल ले आई हूँ मैं, क्योंकि वो फिर कस्टर्ड बच गया था तो उसमें डालते हैं। अब ये बड़ा है इसलिए इसमें मैं राउंड राउंड ही डाल दूँगी। आप कस्टर्ड डालेंगे, आप लोग कौन कौन सी स्वीट डिश अच्छी लगती है आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो स्वीट डिश की लाऊंगी जो आप लोगों को अच्छी लगती है। सो नाउ केक, मुझे तो सारी चीज़ें अच्छी लगती है, पर ज़्यादा मुझे दूध पिला रही और गुलाब जामुन एंड रबड़ी और जलेबी भी अच्छी लगती है, मैं सब कुछ मुझे अच्छा लगता है मीठे में। अब क्या बचा है, कस्टर्ड, लबशीरी और रसमलाई, ये भी अच्छा ही लगता है, कुछ बुरा तो नहीं लगता। मैं तो बहुत लवर हूँ मीठे की और फूड की भी। सो मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, आप लोगों को क्या अच्छा लगता है आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
अब हम अपने कस्टर्ड को पहले क्रीम से थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे और उसके बाद जेली को देखते हैं जाके कि वो जमी है नहीं जमी। सो आपको जैसे भी कोई डेकोरेट करना कर ले, नेवर माइंड। यहाँ मैं हाथ बनाने की ना काम कोशिश कर रही हूँ। सो अब चली किधर चल रहे हैं? ये तो अभी तक फ्रीज ही नहीं हुई, लेकिन मैंने आप लोगों को बोला था ना मैं कहीं जा रहा है, सो ऐसे इसको डेकोरेट करने की कोशिश करती हूँ। नॉट बैड। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।